अस्सलाम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कराची प्रिजन्स। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने कबूतरों को नहान देंगे। और ये हमारे सारे कबूतर हैं, और नहान देने का मतलब नहलाना होता है बेसिकली, कबूतरों की लैंग्वेज में इस तरह बोला जाता है। तो ये बड़े वाले कुंडे हैं, अब अभी अवेलेबल इस वक्त यही हैं, तो इसलिए यही हैं। अक्सर ही कम भी पड़ जाते हैं, लेकिन ये होता है कुछ कबूतर नहा लेते हैं, फिर बाकी कबूतर बाद में नहा लेते हैं। तो एटलीस्ट मतलब सारे नहा लेते हैं, कम इस तरह से नहीं पड़ते ये कुंडे। तो इन सबको चला मैं खोल देता हूँ, फिर ये नहलाते हैं। और अभी मैं आप लोगों को बेसिक बता दूं, पहले अभी फ़िलहाल आपने कुछ नहीं डालना है पानी में। फिटकरी भी डालते हैं, पिंकी भी डालते हैं, फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं डालना है अभी। सिर्फ सादे पानी से ही नहा दें, मैं तकरीबन 1-1.5 साल से सादे पानी से नहा दे रहा हूँ, और उसमें कुछ भी नहीं मिला रहा। पहले मैं मिलाता था फिटकरी। फिटकरी से होता है कि कबूतर साफ़ सुथरा हो जाता है, और उसमें जुएँ वगैरह जो हैं वो मर जाती हैं। अगर आपने वो जो मक्खियाँ वाली जो जुएँ होती हैं, जो मक्खी की तरह होती हैं, अगर वो हैं तो आप फिटकरी यूज़ कर सकते हैं, वरना कोई ऐसा इतना ज़रूरी नहीं है। आप नॉर्मल सादे पानी से नहा दें, जो नेचुरल है वो बेस्ट है। तो चलें फिर हम इनको खोलते हैं, फिर वीडियो कंटिन्यू करता हूँ मैं नहा देते हुए। पहले हम ये वाला पिंजरा खोल देते हैं। अब ये निकलते रहेंगे। ये वाला पिंजरा निकला, और अब ये वाला। तो ये सारे कबूतर निकल गए, तो चले मैं पिंजरे बंद करता हूँ। तो ये देखें फ्रेंड, सारे कबूतर नहा लेना शुरू हो गए हैं। अब एक एक करके आ रहे हैं पानी के उसमें। कैसा भर गया कुंडा। तो अब बस ये कुछ ही नहान बचे हैं, इनके बाद फिर सारे नहान। सर्दियों में तो नहान दिए नहीं जाते। नहान से एक चीज़ ये होती है कि नए कबूतर जो हैं हमारे, उनको नहान नहीं देना चाहिए। वो इस वजह से, क्योंकि नहान से ये होता है कि उस कबूतर को अपनी पुरानी छत याद आती है। तो जब बिल्कुल नए कबूतर हों आपके, जैसे 1-2 महीने के, 3-4 या 3 महीने के, तो उनको नहान कोशिश करें कि कम दें, महीने में एक बार दें। वैसे तो ना दें, लेकिन कम दें। अगर देना चाहते भी हैं तो कम दें, ज़्यादा नहीं दें। अगर आप महीने में 3 नहान देते हैं तो उसे सिर्फ एक बार ही दें, बाकियों में से नहीं खोलें। इस तरह से करें। इसमें मेरे सारे जो है वो घर के पट्टे ही होते हैं, और जो कबूतर ख़रीदे भी थे वो मैंने पिछले पतझड़ में ख़रीदे थे, सॉरी पिछले सीज़न के एंड में ख़रीदे थे। तो इस वजह से और ये देखें, अब ये सारे कबूतर जो है वो जो नहा चुके हैं, वह अब यहाँ पर धूप सेकेंगे, जैसे हमारा काला खाल। कुछ ऊपर ही बैठ जाते हैं। हमने वो अपना जाल भी लगा दिया, क्योंकि अब लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, तो फिर कोई भी कबूतर आएगा तो फिर वो पकड़ा इसमें ही जाएगा। तो अब अजान हो रही है, फिर मैं वीडियो बाद में कंटिन्यू करूँगा। अभी मैंने इनके पानी भी चेंज किए हैं, आपने भी इनके पानी ज़रूर चेंज करने, जो पुराना पानी जो गंदा हो चुका है फेंक दें, और फिर नया पानी डालें, क्योंकि एक तो पानी ख़त्म भी हो जाता है, फिर देखें साफ़ सुथरा पानी है तो उसमें ज़्यादा अच्छा है, जितनी सफाई है उतना अच्छा है। देखें ऐसे नहाते हैं कबूतर। और ये देखें कैसे सारे अब ये धूप सेक रहे हैं, सब लेट गए, अपने पर खोल रहे हैं, सारे लेट के अब ये जो नहा चुके हैं सारे, देखें कैसे धूप सेक रहे हैं। ये देखें कैसे पर खोले हैं।
तो फ्रेंड्स ये था आज की नहान की वीडियो। तो फ्रेंड्स अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल कराची पिजन्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।